सूर्य को जल देते समय ये बोल दें शब्द, यकीन मानना आपका यश मान सम्मान दुनिया में न फैले तो कहना, दुनिया आपके चरणों में गिरी हुई होगी, जो आप बोलेंगे वो हर कोई मानेगा, आपका ऐसा वर्चस्व और दबदबा हर जगह कायम हो जाएगा। बस आपको जल डालते समय ये चीज़ डालनी है पानी के लोटे में, बस इतने से ही आपका चमत्कार हो जाएगा जीवन में। वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ हमेशा की होती है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, अगर आप हमारे बताए हुए उपाय करते हैं तो। जो सूर्य है वह गृहीय मंत्रिमंडल का राजा है। सूर्य को जल देते समय आप ये मंत्र पढ़ते हैं तो आपको सूर्य की सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरी सर्व पापघ्न प्रणतोस्मिन दिवाकर। ये मंत्र आपको 28,000 की संख्या में जब पूरा होगा तो इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप डेली जपते रहें, 28,000 की संख्या ना गिने, कंटिन्यू ये मंत्र जपते रहते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। शुद्ध उच्चारण करना अनिवार्य होता है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः बोलें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। वैसे 7,000 की संख्या में जब आप अपने जप पूरे कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर संकट मिट जाते हैं। प्रातःकाल रविवार को स्नानादि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उत्तम आसन पर बैठकर सूर्य देवता का प्रतिमा, चित्र, यंत्र अथवा सूर्य देवता का प्रत्यक्ष दर्शन करके अर्घ्य देकर स्नान करना चाहिए। इससे आपको फायदा होता है। स्नान के पानी में आप चंदन डालकर स्नान करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सूर्य को जो जल अर्पित करते हैं उसमें चंदन, लाल पुष्प, रक्त चंदन विशेष रूप से प्रयुक्त करना चाहिए और हल्दी अवश्य डालनी चाहिए और दीपक सूर्य भगवान को जो दिखाता है उसको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। सूर्य देव को दीपक दिखाते समय आपको ये बोलना है, हे सूर्य देवता, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा करते हुए मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अपनी रुचि और आस्था के अनुसार आपको जो भी मंत्र याद है उसको मंद मंद स्वर में शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करके पढ़ना चाहिए। जब आप सूर्य भगवान की साधना करते हैं तो उसमें फलाहार का विशेष महत्व है। रविवार को फल खाकर सूर्य देव का पूजन करते हैं तो ज़बरदस्त आपको फायदा होता है। भूमि शयन करना भी लाभदायक होता है और मनोवेगों का पूर्ण दमन करके एकांतवास में आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फायदा होता है। सूर्य देव की उपासना में अगर तगर के पुष्प आपको मिलते हैं तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तगर के पुष्प सर्वदा सूर्य देव की पूजा में वर्जित है तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य दान के लिए रविवार को ठीक सूर्योदय के बाद गेहूं, गुड़, ताम्र, सोना, लाल चंदन, माणिक, ताम्रा, लाल वस्त्र, लाल पुष्प और लाल गौ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य अगर कमज़ोर होता है तो शारीरिक और मानसिक क्लेश और उत्तेजना, क्रोध, अशांति जातक को परेशान करते हैं। नेत्र पीड़ा से भी जातक प्रभावित होता है तो इसके लिए सूर्य शांति अवश्य ही करनी चाहिए। जब निर्बल सूर्य होता है तो मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जो आप पद जिस पद के लायक हैं उसके से निम्न पद आपको प्राप्त होता है। आपकी नौकरी और आजीविका में ज़बरदस्त कमी आती है। इसके लिए कुपित सूर्य का निवारण करना जरूरी होता है तो आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए और सूर्य के संबंधित उपाय करने में सूर्य देव को जल अर्पित करना प्रमुख है। अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते समय लाल पुष्प डालते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ का पाउडर डाल दीजिए, आपको ज़बरदस्त मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा हर जगह मिलने लगेगी। आप विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कैल्शियम का सेवन करते हैं तो ये सूर्य के बल को बढ़ाते हैं। शारीरिक सौंदर्य तो आपको देते ही हैं,
लेकिन सूर्य का बल इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं तो आपको इनका सेवन अवश्य ही करना चाहिए। धूप का सेवन करने से भी सूर्य बलवान होता है। पूरब मुखी घर में रहते हैं तो सूर्य का बल बढ़ता है। फूस के घर में रहना सूर्य के बल को बढ़ाने वाला साबित होता है। घर में स्वच्छता रखने से सूर्य बली होता है। जिनको सूर्य बढ़िया करने की कामना है उनको अस्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए कि घर में स्वच्छता का वातावरण हो और गंदगी का प्रकोप नहीं हो। आलसी आदमियों से सूर्य पीड़ा होती है, आलसी आदमियों को सूर्य पीड़ा होती है तो आलस्य इससे दूर भागना चाहिए। खाद्य पदार्थ के रूप में आप अदरक का सेवन करते हैं, बादाम का सेवन करते हैं, लाल या काली इलायची और लौंग का सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम से सूर्य का बल बढ़ाने में मदद मिलती है। अर्जुन वृक्ष की छाल पहनने से भी सूर्य अच्छा होता है। आप सिर पर पगड़ी या टोपी पहनते हैं तो आपका सूर्य बली होता है। लाल बोतल में जल या तेल भरकर प्रातःकाल से सायंकाल रखें, फिर उसका प्रयोग पीने में रख करें या ऑयलिंग करें पूरी बॉडी पर। इससे आपको सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना और एक मुखी रुद्राक्ष को पहनना या उसका जल सेवन करना सूर्य को मजबूत बनाता है और आपका व्यक्तित्व निखारता है। सफलता, पद प्रतिष्ठा की संभावना स्ट्रांग हो जाती है। सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद दिन में ना सोएं। सूर्य के तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके मलमूत्र का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। न ये कि न केवल एक दोष उत्पन्न करता है बल्कि आपको किसी भी जगह सम्मान नहीं मिलता है। अपने शरीर, वस्त्र, घर, सामान और वाणी को शुद्ध रखने से सूर्य मान सम्मान, आरोग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त करता प्रदान करता है। अभद्र बोलने से आपका स्वास्थ्य और यश बाधित होते हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। रविवार को मांस, उड़द, तेल, मदिरा, तिल आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। जुआ भूलकर भी ना खेलें। रविवार को पीपल को जल ना देवें। काले और नीले कपड़ों का प्रयोग, काला चश्मा लगाना, अव्यवस्थित रहना, पवित्र स्थानों में थूकने से सूर्य कुपित होता है और आपको दोष लगता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कुपित सूर्य के शमन के लिए उगते हुए सूर्य को चावल तथा हल्दी डालकर अर्घ्य देवें और सूर्य पीड़ा हर मंत्र का जाप करें, सूर्याष्टक स्त्रोत पढ़ें, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इससे आपका सूर्य इतना पावरफुल हो जाता है कि आपको बिन मांगे ही हर जगह मान सम्मान मिलने लगता है और आपका वर्चस्व हर जगह कायम रहता है। आपकी जीत का डंका हर जगह बजता रहता है। आप इतने विजयी, तेजस्वी हो जाते हैं जिससे आपको फ़ायदा ही फायदा मिलने लगता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः अवश्य ही प्रेषित करें। थैंक यू सो मच।